सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि शांति शांति ही। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 62वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में प्रसंग चल रहा है। भरत जी पहले शत्रुघ्न को बताते हैं कि देखो ये कैसे माता जी के एक गलत विचार से सब उल्टा पुल्टा हो गया और पिता हमारे स्वर्ग चले गए, भाई वन को चले गए और जो हमारी राजश्री है उसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे बिना नाविक की कोई नौका हो। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और जैसे ही वो दुखी हो रहे थे तो उसी समय जो महामुनि वशिष्ठ जी हैं उन्होंने महाराजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया और एक सोने के सिंहासन पर आकर के वो विराजमान हुए और उन्होंने अपने सभी जो सैनिक हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और आमात्य मंत्रीगण आदि और जो भी सेनापति हैं गणवल्लभान उनको शीघ्रता से बुलाया और उनको ये निर्देशित किया कि किसी अति आवश्यक कार्य के लिए आपको सभा भवन में बुलाया गया है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसके आगे वो उनको क्या आदेश देंगे और उसके आगे क्या फिर भरत जी तैयार होते हैं राज को लेने के लिए नहीं होते हैं ये हम आज आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले कोई प्रश्न है आपका, कुछ पूछना है किसी को, आगे चलें। चलिए। सराज भृत्यम शत्रुघ्नम भरतम च यशस्विनम युधाजितम सुमंत्रम च ये च तत्र हिता जनाः ततो हल हला शब्दः सुमहान् समपद्यत रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ततो भरतमायान्तं शतक्रतोमिवारम अमराः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा आसनानि यथा न्यायां मार्याणां विशतां तदा इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत् तात राजा दशरथः स्वर्गगतो धर्ममाचरन् धनधान्यावते स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ग्रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्मम् अनुस्मरन् नाजहात् पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिवोदितः। तो जब उन्होंने ये कहा कि कोई अति आवश्यक कार्य है और सबको बुला लीजिए, सेनापतियों को भी और जो भी गणमान्य लोग हैं उन सबको बुला लीजिए। तो स राजभृत्यम शत्रुघ्नम भरतम च यशस्विनम,
युधाजितम सुमंत्रम च ये च तत्र हिताजना। उनके साथ साथ इन्होंने राजभृत्य को भी बुलाया, शत्रुघ्न को भी बुलाया, यशस्वी भरत जी को भी बुलाया, और युधाजित जी, सुमंत्र जी, तो ये सब इनके जैसे कुछ नाम तो हमारे परिचित ही हैं, शत्रुघ्न, भरत, सुमंत्र जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे महाराज दशरथ के, और ऐसे ही ये जो हैं राजभृत्य युधाजित, ये भी इनके मंत्रियों के ही नाम है, मंत्रीगण हैं ये। ये च तत्र हिता जनाः, तो जो भी इस परिवार के हितेशी लोग थे, हितकारक लोग थे, उन सबको बुलाया गया, गुरु ने बुलाया। तो ये भी पता चलता है कि भाई आगे जब कोई नई प्लान बनानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि सब लोगों को बुला करके उसका प्लान बनाना चाहिए। तो उसमें एक फायदा तो ये होता है कि सब अपनी राय दे सकते हैं, कई बार कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आती है, दूसरे के ध्यान में आ जाती, कई बार बड़ों के ध्यान में नहीं आती, छोटे के ध्यान में आ जाती, कभी छोटों को नहीं पता होता कार्य कैसे करना चाहिए तो बड़े बता देते हैं। और दूसरा ये है कि उस कार्य में यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। फिर तो चाहे कोई छोटा सा भी काम क्यों ना हो, जैसे मान लो कोई फंक्शन ही हो रहा है हमारे यहाँ पे, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, उपनयन संस्कार, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है और उसमें सभी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले सभी संस्थाओं के जो हेड हैं, संन्यास आश्रम से एक दो भाई बहन, बहनों का संन्यास आश्रम से, पतंजलि गुरुकुलम से, आचार्य कुलम से, यूनिवर्सिटी से, आयुर्वेदिक कॉलेज से, सबको बुला करके फिर एक मीटिंग करके, भई ये कार्य है अपना तो कौन कहाँ बैठेंगे, कितने फासले पे बैठेंगे, कौन सी ड्रेस पहन के आएंगे, कोई बाहर से वीआईपी आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, सबका खाना कहाँ होगा, तो फिर अगले दिन ना सब सुनियोजित चलता है। और नहीं तो कोई किधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है, कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, कौन बिठाएगा उनको, तो छोटी छोटी बातों से फिर अव्यवस्था होती है। कभी कभी हम अपना अपना तो देख लेते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले पत्रकार कहाँ बैठेंगे और उनको कौन बिठाएगा, बाहर से कोई अतिथि आ रहे हैं तो वो कहाँ बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे कि कुर्सी पे बैठेंगे या सोफा पे बैठेंगे, उनका स्थान कहाँ होगा और उनको कोऑर्डिनेटर कौन होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी कोई जो बड़े होते हैं उनको, जैसे यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इन सबको बुलाया गया, क्योंकि अगले राजा के बारे में विचार करना है तो सभी लोगों को बुलाया गया, सुमंत्र को भी, युधाजीत जी, राजभृत्य, सभी सैनिक आदि, और भरत जी और शत्रुघ्न जी को तो बुलाना ही था, और जो भी हितेशी जन थे, भले ही वो पदों के ऊपर नहीं हैं पर जो भी हितकारी हैं, हित चाहते हैं, उन सबको बुलाया गया। तो हमेशा मिलजुल करके निर्णय करने चाहिए, ये रामायण हमें शिक्षा देती है। कितना भी कोई समझदार क्यों ना हो, लेकिन अकेले को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार व्यक्ति को लगता है ना, भाई मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से, मैं तो खुद ही इतना समझदार हूँ, तो उसमें कभी त्रुटि होने की संभावनाएं होती हैं। ततो हला हला शब्द सुमहन समपद्यत रथैरश्वैर गजैश्चापि जनानाम उपगच्छताम। तो जब उन्होंने सबको बुलाया तो एक सब लोग अपने अपने वाहनों से आए, कोई रथ से आया होगा, कोई अन्य किसी वाहन से आया होगा, जैसे भी आए, लेकिन जिस माध्यम से वो आए, रथई अश्वई गजैश्चापी, कोई रथ में बैठ कर आया, कोई घोड़े के ऊपर, कोई हाथी के ऊपर, तो जैसा जैसा जिनका ओहदा था वैसे वैसे वो सब लोग आए, तो सब लोगों के वाहन से, आगमन से हल हला शब्द सुमहान संपद्यता, एक बड़ा शब्द हो गया, जैसे लगातार कोई 20 25 30 गाड़ियां चलें तो फिर एक
महान शब्द हो जाता है। तो ऐसे ही ये सब गणमान्य लोग आ रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए कहीं एक रास्ते से रथ आ रहे हैं, कहीं से हाथी, कहीं से घोड़े, तो एक बहुत महान शब्द उत्पन्न हुआ, कोलाहलपूर्ण शब्द उत्पन्न हुआ। ततो भरतम आयांतम शतक्रतुम इव अमराः प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथम तथा। तो इसके बाद जब भरत जी आते हैं, भरतम आयांतम शतक्रतुम इव अमराः, हाँ? नहीं, अमराः आप में क्या है? तो यहाँ देवता है ना, अमर ठीक कर लो, कोई बात नहीं। तो जैसे शतक्रतु आते हैं, शतक्रतु माने इंद्र, और इंद्र के आने से जैसे देवगण आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही इस सभा में जैसे ही भरत जी आए तो सब लोग माने भरत जी को इंद्र की तरह देख रहे हैं और बाकी के जो लोग थे उनको देवों की तरह से देख रहे हैं। प्रत्यनंदन प्रकृतय यथा दशरथम तथा, और सब वहां जो बैठे लोग थे वो सब प्रत्यनंदन बहुत प्रसन्न हुए भरत जी को देख करके, ऐसे ही प्रसन्न हुए जैसे कि वो कभी दशरथ जी को प्रवेश करते हुए देख करके प्रसन्न होते थे, ऐसे ही प्रत्यनंदन प्रकृतय यथा दशरथम तथा। आसनानि यथा न्यायम् आर्याणां विशतां तदा, इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत। और वहां आकर के यथा न्यायम् आर्याणां आसनानि तदा विशतां, जैसे जैसे जिनकी योग्यता थी, पात्रता थी, जहां जहां जिसके आसन बैठने के स्थान सुनिश्चित थे, वहां वहां करके उन्होंने अपने अपने आसन ग्रहण किए। इदम पुरोहितो वाक्यम भरतम मृदु च अब्रवीत। और जब सब लोग बैठ गए तो पुरोहितः, जो पुरोहित थे जिनको ये संस्कार करवाना था, उस पुरोहित ने इदम वाक्यम भरतम अब्रवीत मृदु, तो बड़ी मधुरता से उन्होंने ये वाक्य भरत जी को बोले। तात राजा दशरथ स्वर्गगतो धर्मम आचरन् धन धान्यवतीं स्थितां प्रदाय पृथिवीं तव। हे तात, राजा दशरथ स्वर्गगत, महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं, धर्मम आचरन्, धर्म का आचरण करते हुए, माने उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा भले ही वो स्वर्ग चले गए, तो वो धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्वर्ग में जाता ही वो ही है जो धर्म का आचरण करता है, और दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति मरता है, मरना तो सभी को ही है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए संसार से जाता है तो उसी का जाना ही सार्थक है। तो ये दोनों ही बातें महाराजा दशरथ के ऊपर घटित होती हैं, तो इसलिए उनके नाम के साथ ये जोड़ा जा रहा है कि आपके पिता धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग सिधारे हैं महाराजा दशरथ। तो किसी भी परिस्थिति में उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया, भले ही उनके पुत्र का वनवास हो गया और भले ही परिवार में बहुत ज्यादा कलह क्लेश और एक तरह से बहुत ही बुरा हो गया भले ही, लेकिन तो भी उन्होंने धर्म के आचरण को नहीं छोड़ा, तो उसको स्मरण कर रहे हैं अब ये पुरोहित बता रहे हैं। हे तात, हे भरत जी, आपके पिता धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग को चले गए हैं और धन धान्यवती स्फीताम पृथिवीम तव प्रदाय, और जाते जाते ये जो धन धान्य से भरी हुई विस्तृत जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तव प्रदाय आपको दे करके आपके नाम से, यद्यपि महाराजा दशरथ ने ऐसे कहा नहीं कि ये भरत जी को दे दी जाए, ऐसे अंत तक भी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन क्योंकि इनकी माता जी ने ऐसे ही मांगा था और वो उसमें मौन रही थी, कुछ उन्होंने इसमें प्रतिक्रिया नहीं की थी, तो बस उसी उनकी मौन को लेकर के, क्योंकि
क्योंकि मौन भी जो है वो स्वीकृति का ही लक्षण होता है और कभी कभी अस्वीकृति का भी होता है, दोनों ही होते हैं। लेकिन माना यही जाता है कि मौन यदि कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब वो स्वीकृति का लक्षण है। तो यहाँ दशरथ जी ने कुछ कहा नहीं था तो इन्होंने यही मान लिया कि ये उनको देना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, ये सब धन धान्य से विस्तृत भरी हुई पृथ्वी आपको दे करके धर्म का आचरण करते हुए महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। रामस्तथा सत्यधृति सताम धर्मम मनुस्मरन ना जहात पितुरादेशम शशि ज्योत्स्नामिवोदितः। और इसी तरह से सत्यधृति रामः, सत्य का पालन करने वाले, और धृति ही धैर्य वाले, सत्य रूपी व्रत का पालन करने वाले श्री राम भी सताम धर्मम अनुस्मरण। सताम सत्य धृति रामः, सताम माने सत्य का पालन करने वालों में जो सबसे बड़े सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं ऐसे श्री राम। सताम सत्य धृति तथा रामः धर्मम अनुस्मरण, वो भी धर्म का अनुस्मरण करते हुए, मेरा क्या धर्म है ऐसा श्री राम ने सोचा, तो पिता के आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है, तो उस धर्म का अनुस्मरण करते हुए न अजहात पितु आदेशम, पिता के आदेश को उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जैसे शशि ज्योत्स्नाम इव उदितः, जैसे ज्योत्स्ना चंद्रमा का प्रकाश, तो जैसे चंद्रमा अपनी ज्योत्सना का उदित होता हुआ, चंद्रमा जैसे अपने प्रकाश का त्याग नहीं करता है, ऐसे ही श्री राम ने भी पिता के आदेश का परित्याग नहीं किया। तो कल कुछ भाई मिल रहे थे ना श्रद्धे स्वामी जी महाराज से, तो महाराज जी पूछ रहे थे कि भाई इसकी अर्हता क्या है इस मार्ग में चलने की, किस पात्रता के आधार पे हम उनको गुरुकुल में रखें आने वाले नए भाई बहनों को। तो उसमें अलग अलग उत्तर दिए जा रहे थे और एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि गुरु के वचनों के प्रति अनन्य श्रद्धा, ये सबसे पहली शर्त है। उसके बाद त्याग की भावना, वैराग्य की भावना, सेवा की भावना, अष्टांग योग की भावना, ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं तब अर्हता बनती है, पात्रता बनती है यहाँ रहने की। तो उसमें सबसे पहली जो अर्हता है, क्योंकि पहले तो जानते नहीं है ना, बाकी की चीजें तो जैसे जैसे आप जानेंगे तो धीरे धीरे उनका विकास होगा, लेकिन सबसे पहले जो है आधार बेसिक वो तो श्रद्धा ही है। श्रद्धा ही तो आपको वहां से यहाँ खींच के लाई है, और यहाँ रुकने में भी श्रद्धा ही सबसे पहली अर्हता है, गुरु के प्रति, गुरु वचनों के प्रति, शास्त्र के प्रति, शास्त्र वचनों के प्रति, देश के प्रति, देश के धर्म के प्रति। तो ये श्रद्धा तत्व एक बार यदि कहीं व्यक्ति को सिद्ध हो जाता है किसी एक विषय में, किसी एक व्यक्ति में, तो फिर वो सब जगह ही उसको अप्लाई कर लेता है। फिर उसको अलग अलग, माने जिसकी गुरु में श्रद्धा है ना उसकी शास्त्र में भी श्रद्धा होगी, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है उसकी गुरु माता पिता उन सब में भी श्रद्धा होगी, जिनकी शास्त्र में या वेद में श्रद्धा है उनकी फिर अपने देश में और धर्म में भी, वो हर जगह होगी श्रद्धा। फिर जैसे किसी व्यक्ति ने ज्योति को, प्रकाश को, अग्नि को एक जगह पहचान लिया, तो अब वो किसी भी देश में चला जाए फिर, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की अग्नि अलग है, अमेरिका की अलग है, किसी अन्य देश की अलग है, अग्नि तो अग्नि ही है, वो कहीं भी पहचान लेगा उसको। तो श्रद्धा तो श्रद्धा ही है, वो किसी के भी प्रति होगी। तो ये श्रद्धा तत्व को सिद्ध करना ये सबसे पहली पात्रता है, और श्रद्धा एक दिन में सिद्ध नहीं होती है, श्रद्धा का भी एक बीज की तरह से होता है, बीज है और फिर वो धीरे धीरे विकसित होती है। रोजाना वो जो गुरु वचन है या शास्त्र वचन है उसके अनुसार जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से 100% जीते हैं,
तो फिर धीरे धीरे उस श्रद्धा का विकास होता है, और जब वो अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाती है तो श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही फिर सत्य की प्राप्ति होती है। तो आधार भी श्रद्धा है और अंतिम शिखर भी श्रद्धा ही है। तो यहाँ पर श्री राम जो हैं, उन्होंने अपने पिता के आदेश का ऐसे ही परित्याग नहीं किया जैसे उदित होता हुआ सूर्य अपने ज्योत्सना का परित्याग नहीं करता है। पिता भ्रात्रा च ते दत्तम राज्यम निहतकंटकम तद्भुङ्क्षस्वमुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय, तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया। सवाश्वकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा वेललापसभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितं, चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विदो हरेत्, अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि, इक्ष्वाकोणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। तो इन्होंने कहा पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तम राज्यम निहतकंटकम। तो पुरोहित कह रहे हैं भरत जी को कि आपको आपके पिता ने और आपके भाई श्री राम ने निहतकंटकम राज्यम दत्तम, ते आपके लिए आपके बड़े भाई ने और आपके पिताजी ने ये निष्कंटक राज्य दिया है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है, आपको तो आपके बड़ों ने दिया है। निहतकंटकम राज्यम ते दत्तम तद भुङ्क्षस्व, तो आप उसका उपभोग करें क्योंकि ये तो दिया हुआ है आपको। मुदिता मात्य क्षिप्रमेव अभिषेचय, इसलिए आप मुदिताम आत्य प्रसन्न होकर के क्षिप्रमेव अभिषेचय, शीघ्र ही आप अपना राज्य अभिषेक करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपका तो कोई दोष है ही नहीं, बड़े भाई ने भी आपको दिया है ये निष्कंटक राज्य और आपके पिता ने दिया है। तो देखो कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति यदि जागरूक नहीं है अपने धर्म के प्रति, तो कभी कभी तो अनुकूलता भी आती है और कभी कभी तो प्रतिकूलता भी आती है। तो प्रतिकूलता में तो व्यक्ति मूढ़ता करता है, यदि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है तो जब नाराज होता है, गुस्सा करता है, दुखी होता है, तो फिर वो कोई ना कोई मूढ़ता का आचरण करता है, वो उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि भाई मेरा धर्म क्या है इस प्रतिकूलता में, उसको लगता है कि भाई अगले ने ऐसे किया इसलिए मैंने भी वैसे किया, तो टिट फॉर टैट, और कभी कभी ईंट का जवाब उससे भी आगे भड़के देता है एक, तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि इस परिस्थिति में मेरा क्या धर्म है, अगले व्यक्ति ने जो भी किया ठीक है, उसने गलत किया ठीक किया, उसने जानबूझ के किया अनजाने में किया जैसे भी किया, अब मुझे क्या कैसे करना चाहिए, मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, ये ध्यान नहीं रहता है। और अनुकूलता में भी ध्यान नहीं रहता है, जब कोई हमें दे रहा है हमारी योग्यता से पात्रता से ज्यादा दे रहा है, तो उस समय हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि ठीक है भाई वो व्यक्ति तो अपनी उदारता अभिव्यक्त कर रहा है, उस व्यक्ति की उदारता है जो हमारे को इतना दे रहा है, पर इस परिस्थिति में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए किस भाव से लेना चाहिए, तो वो सारा ध्यान रहता नहीं है। तो भरत जी के लिए तो बहुत अनुकूल परिस्थिति है, पिता है नहीं भाई भी है नहीं, अभी जो बड़े हैं राज पुरोहित हैं या महर्षि वशिष्ठ जी हैं, तो वो इनको इतने आदर सम्मान पूर्वक दे रहे हैं, सब राज्य के भी गणमान्य जो लोग हैं वो एकत्रित हैं, तो सभी खुश होकर के दे रहे हैं, तो लेने में दिक्कत है ही नहीं ना कुछ भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जागरूक होते हैं, भरत जी बड़े जागरूक हैं,
इनकी बात सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं शीघ्र ही अब आप अपना राज्य अभिषेक करवा लीजिए और इस निष्कंटक राज्य का भोग कीजिए। तत्श्रुत्वा भरत वाक्यम शोकेन अभि परिप्लुतः। तो जब उनकी इन बातों को सुना तो भरत जी शोक से परिप्लुतः आप्लावित हो गई, मतलब बहुत ज्यादा उनको बुरा लगा, शोक से युक्त हो गई, वो दुखी हो गई। जगाम मनसा रामम धर्मज्ञ धर्म कांक्षया। तो वो बड़े शोक से दुखी हो गए और उन्होंने मनसा मन से धर्मज्ञ रामम धर्म कांक्षया, धर्म की आकांक्षा से कि मेरा क्या धर्म है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने धर्म की आकांक्षा से अपने बड़े भाई को याद किया, मनसा रामम जगामा, मन से श्री राम के पास पहुंच गए वो कि भैया आप ही बताओ इसमें मैं क्या करूं। तो ये जो है ना, ये क्वांटम फिजिक्स भी इसकी वो करती है, सपोर्ट करती है इस बात की कि जब हम हृदय से किसी से कुछ पूछते हैं तो हमें उत्तर भी मिलता है। और सारी हमारे वैदिक परंपरा या धार्मिक भारतीय परंपरा है, उसका तो पूरा आश्रय ही यही है। मंदिर में जाते हैं या कहीं मस्जिद गुरुद्वारे में गिरजाघर में कहीं भी जाता है व्यक्ति, तो वहां पर वो बातचीत करने के लिए ही जाता है कि भाई हम ऐसी परिस्थिति में, हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, अब आप बताओ ऐसे में हम क्या करें। कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, और कोई भी ना हो तो कुछ लोग वृक्ष से जाके पूछते हैं, पीपल के पेड़ से जाके पूछते हैं, तो किसी से भी कुछ जाके नदी से पूछते हैं, गंगा मैया से पूछते हैं कि गंगा माता तू ही बता। कुछ लोग निर्जन में जाकर के दिशाओं से पूछते हैं, अज्ञात शक्तियों से पूछते हैं, उसको कोई कुछ भी संबोधन करे कि हे भगवान जी अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति खुद निर्णय नहीं कर पाता है तो उसने अपने से किसी न किसी सुपीरियर शक्ति को मान रखा है और वो उसी के पास जाता है। तो यहाँ भरत जी के तो आराध्य श्री राम ही हैं, पिता से भी बढ़कर के उन्होंने पिता से नहीं पूछा, उन्होंने श्री राम को मन से स्मरण किया धर्म की आकांक्षा से कि इस धर्म के विषय में, क्योंकि धर्म के विषय में श्री राम अपने पिता से भी दो कदम आगे हैं और भरत जी श्री राम से भी आगे हैं। तो कंपटीशन यदि होना है तो वो धर्म के आचरण का होना चाहिए, सज्जनों में, सज्जन पुरुषों में। सज्जन पुरुषों में यदि कंपटीशन होना है तो त्याग का होना चाहिए, क्षमा का होना चाहिए। बड़ों का बड़प्पन इस बात में नहीं है कि वो किसी को दंड दे दें, ये तो बहुत सरल है दंड देना, तो बड़े किसी को क्षमा कर सकें ये बड़प्पन है। किसी ने कोई अपराध किया और यदि वो दंड देने के योग्य था और ये दे भी सकते थे, इनके हाथ में भी था, लेकिन फिर भी दंड नहीं दिया, उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए इस चीज को याद रखेगा और उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। किसी को बदलने के लिए बोलते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पात, छोटे तो उत्पात करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं, तो जानबूझ के मत करना क्योंकि आप भी तो मेरे से तो छोटे ही हो, तो बोले आपने ही बोला था वहां बैठ करके, तो अब हम तो उत्पात करेंगे, आप क्षमा करो। तो ऐसे नहीं, पर कभी भूल चूक से अनजाने में हो जाए तो बड़ों का बड़प्पन इसी में ही होता है कि वो उनको दंड दे सकते थे लेकिन उनको क्षमा कर दिया, यही उनका बड़प्पन होता है। तो जब क्षमा कर दिया जाता है ना, वो उस व्यक्ति को ज्यादा हृदय तक जाकर के छूता है।